भाजपाइयों का नया फार्मूला है, ना हिंदू बचेगा ना मुसलमान बचेगा और भाजपा के राज में हर इंसान लूटेगा। कहते हैं साहब ये तो प्राइवेट है। अरे भाई 2,00,000 करोड़ रुपए लोगों का लूट गया तो तुम प्राइवेट और सरकारी कर रहे हो, और जो सरकारी है उसको प्राइवेट करने पे लगे रहते हो। रेलवे को कह रहे हो हम प्राइवेट करेंगे, सेल को कह रहे हो हम प्राइवेट करेंगे, एयरपोर्ट को कह रहे हो हम बेचेंगे, LIC को कह रहे हो हम बेचेंगे। तो पहले उनको प्राइवेट करते हो, जब बर्बाद हो जाते कहते हो तो प्राइवेट है। सभी पत्रकार बंधुओं को नमस्कार। अभी एक बहुत बड़ा मामला आया है एस बैंक के घोटाले का, जिससे पूरे देश में उन 21 लाख खाताधारकों में त्राई त्राई मची हुई है जिनका पैसा यस बैंक में था। उनके जीवन के आगे एक सवालिया निशान लग गया है कि अब आगे उनका भविष्य क्या होगा। किसी ने अपना सैलरी अकाउंट रखा था, कोई व्यापार करता था उसने अपना अकाउंट रखा था, किसी ने अपनी सेविंग रखी थी कि बेटी की शादी में काम आएगी, कोई बीमारी के लिए अपना पैसा रखे हुए था। आज उन सबके सामने एक गंभीर संकट पैदा हो गया है और उसके ऊपर सरकार गोलमोल गोलमोल करके जवाब देती है। लेकिन मेरा सीधे तौर पे यह कहना है कि जो भी इसके बड़े डिफॉल्टर हैं, जिनकी वजह से आज यस बैंक बर्बाद हुआ है, जिन्होंने यस बैंक में आम आदमी के पैसे पर डकैती और लूट की है, वो कोई और नहीं है बल्कि भारतीय जनता पार्टी के मित्रों हैं, भारतीय जनता पार्टी के करीबी हैं, भारतीय जनता पार्टी के नजदीकी हैं, भारतीय जनता पार्टी के द्वारा उनको संरक्षण प्राप्त है। ये सरकार उनके समर्थन में खड़ी है, इसलिए उन्होंने इतना बड़ा घोटाला, इतनी बड़ी डकैती आम आदमी के पैसे पे की, किसान के पैसे पे, मजदूर के पैसे पे, कर्मचारी के पैसे पे, व्यापारी के पैसे पे, आम आदमी को लूटने का अगर काम किया है तो ये भाजपा के मित्रों ने किया। और कैसे किया है मैं बता रहा हूं आपको। ये वो कुछ नाम हैं जो बड़े डिफॉल्टर हैं यस बैंक के, उनमें एक प्रमुख नाम है। और ये नाम मैं तब सार्वजनिक रूप से कह रहा हूं जब खुद वित्त मंत्री ने इनका नाम लिया है। निर्मला सीतारमन जी ने बताया है कि इन लोगों ने, ये बड़े डिफॉल्टर हैं यस बैंक के, इन्होंने जनता के पैसे पे डकैती की है। अनिल अंबानी ग्रुप, 13,000 करोड़ रुपए का इनके ऊपर लोन है, 13,000 करोड़ रुपए का। और इन्होंने भारतीय जनता पार्टी को चंदा दिया है 20 करोड़ रुपए। दूसरे डिफॉल्टर है एसएल ग्रुप, 3,300 करोड़ रुपए का कर्जा इन्होंने निकाला है एस बैंक से, और इन्होंने भारतीय जनता पार्टी को चंदा दिया है 2017 से 2019 के दौरान 40 करोड़ रुपए। रेडियस डेवलपर्स, ये तीसरे बड़े कर्जदार हैं एस बैंक के, या डिफॉल्टर हैं, कर्जदार कहना सही शब्द नहीं होगा, ये 1200 करोड़ रुपए यस बैंक से डिफॉल्ट कर चुके हैं, और इन्होंने 14-15 के दौरान 50 लाख रुपए बीजेपी को चंदा दिया है। चौथा है DHFL, 3,750 करोड़ रुपए के डिफॉल्टर हैं ये यस बैंक के, और इन्होंने भारतीय जनता पार्टी को चंदा दिया है 19 करोड़ 50 लाख रुपए, 19.5 करोड़ रुपए। क्या नाम है इसका सर? DHFL ग्रुप, जो 3,750 करोड़ रुपए का डिफॉल्टर है, इसने भारतीय जनता पार्टी को चंदा दिया है 19.5 करोड़ रुपए, यानी 19 करोड़ 50 लाख रुपए। RKW डेवलपर्स, ये पांचवे डिफॉल्टर हैं। मैंने तो कम का ही नाम दिया है, बाकी आप और डिटेल में जाएंगे तो बहुत मिलेगा। ये 1200 करोड़ रुपए के डिफॉल्टर हैं।
1200 करोड़ रुपए आम आदमी का लूटकर बैठ गए हैं। इन्होंने भारतीय जनता पार्टी को चंदा दिया है 10 करोड़ रुपए। ये तमाम बैंक के वो डिफॉल्टर हैं जिन्होंने चंदा दिया है भारतीय जनता पार्टी को, जो भारतीय जनता पार्टी के मित्रों हैं, और इनसे आम आदमी का पैसा सुनियोजित तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने डकैती करवाया और लुटवाया है। और ये मैं क्यों कह रहा हूं, वित्त मंत्री जी ने कहा कि जब यस बैंक की गड़बड़ियों की सूचना हमको प्राप्त हुई तो 2017 के बाद हमने आरबीआई से उसकी निगरानी शुरू करवाई। आरबीआई उसकी निगरानी कर रहा था, यानी यस बैंक की जो कार्यवाही चल रही थी, यस बैंक की जो व्यवस्था चल रही थी वो आरबीआई के अधीन चल रही थी, आरबीआई की निगरानी और आरबीआई की देखरेख में चल रही थी। तो मेरा सवाल यह है कि जब आरबीआई की देखरेख में चल रही थी यस बैंक, तो कैसे 1,00,000 करोड़ रुपए का कर्जा 2017 से लेकर 2020 तक दिया गया? 1,00,000 करोड़ रुपए का कर्जा बड़े बड़े पूंजीपतियों को, उद्योगपतियों को दिया गया। यह पैसा कैसे दिया गया अगर वित्त मंत्री की जानकारी में था, आरबीआई की जानकारी में था, आरबीआई की निगरानी में था, आरबीआई की निगरानी में सब कुछ चल रहा था, तो कैसे 1,00,000 करोड़ रुपए वहां से निकाला गया, लूट की गई, कर्जा दिया गया बगैर जाने समझे? क्या आपको पता नहीं इन कंपनियों की हालत क्या है? आपको पता नहीं है कि अनिल अंबानी की हालत क्या है, एसएल ग्रुप की हालत क्या है, डीएचएफएल की हालत क्या है, आरकेडब्ल्यू की हालत क्या है, इन कंपनियों की हालत क्या है, रेडियस डेवलपर्स की हालत क्या है? कई बार इनके बारे में अखबारों में आ चुका है, इनकी हालत खराब है, इस प्रकार की सूचनाएं सरकार के पास है। यह सब कुछ एक दिन में हो गया? तो सुनियोजित तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने अपने करीबियों से, जिन्होंने उनको बड़े बड़े चंदे दिए थे चुनाव में, उनके माध्यम से यस बैंक में डकैती करवाई है, आम आदमी का पैसा लुटवाया है। यह मेरा सीधा आरोप है। और दूसरी बात, हिंदू हिंदू की बात भारतीय जनता पार्टी करती है, पूरे देश को हिंदू मुसलमान में उलझा रखा है। मैं तो कह रहा हूं कि भाजपा का जो एचएम वायरस है, हिंदू मुसलमान वायरस, ये कोरोना वायरस से भी ज्यादा खतरनाक है। पूरे देश को अपने इस वायरस ने अपने चपेट में ले रखा है, पूरे देश को हिंदू मुसलमान का वायरस पकड़ा रखा है। और पीछे से क्या करते हैं, जेब काटते रहते हैं, लोगों का जेब काटते रहते हैं। आज खबरें आई कि शेयर बाजार में 5,00,000 करोड़ रुपए डूब गया लोगों का। वो 5,00,000 करोड़ रुपए जो डूबा है वो हिंदुओं का है कि नहीं है, भारतीय जनता पार्टी बताए। 21,00,000 खाता धारक जिनका पैसा डूबा है, वो हिंदू थे कि मुसलमान थे कि सिख थे कि ईसाई थे, आंकड़ा निकाल के देख लीजिए। लाखों की संख्या में हिंदुओं को आप लूट रहे हैं, बर्बाद कर रहे हैं। यहां तक कि 590 करोड़ रुपए हिंदुओं के प्रसिद्ध मंदिर जगन्नाथ पुरी का भी 500 करोड़ रुपए लूट लिया गया है यस बैंक के द्वारा। और किसने लूटा? यही भाजपा के मित्रों, यही भाजपा के सबसे बड़े भारत माता के रक्षक अनिल अंबानी, जिनको राफेल की डील दी गई, जिस ग्रुप ने हमारे ऊपर 5,000 करोड़ रुपए का डिफेमेशन किया था, वही 13,000 करोड़ रुपए उसी वही बहुत बड़ा डिफॉल्टर है। कहां से लाएंगे ये लोग पैसे? और सिर्फ ये सूची इतनी ही नहीं है, मैं आपको पढ़ के सुनाता हूं। और मैंने ये चिट्ठी ईडी को लिखी थी 20/5/2018 को, लगभग 2 साल हो गए ये चिट्ठी लिखे हुए। और मैंने इसमें कोई बहुत बड़ी मांग नहीं की थी, मैंने सिर्फ इतना कहा था कि ये जो बड़े बकायेदार हैं इनकी जांच करो, और जांच करने के बाद जो लोग 50 करोड़ से ज्यादा के कर्जदार हैं उनका पासपोर्ट जब्त किया जाए, जिससे वो हिंदुस्तान छोड़ के भाग ना पाए। आज देश के लोगों का पैसा लूटकर विजय माल्या विदेशों में बैठ के हमें चिढ़ाता है, नीरव मोदी बैठ के विदेश में हमको चिढ़ाता रहता है, ललित मोदी हमारी व्यवस्था को चिढ़ाता रहता है,
मेहुल चौकसी हमारी व्यवस्था को चिढ़ाता रहता है, नितिन संदेशरा हजारों करोड़ लूटकर भाग के विदेश में बैठा हुआ है। तो ये तो अच्छा तरीका है, आम आदमी का पैसा लूटो और विदेश में जाके किसी देश की नागरिकता ले लो, जहां से सरकार की प्रत्यार्पण संधि नहीं है तो उस देश से उसको ला भी नहीं सकते आप। हम लोगों ने कितनी खबरें देखी, विजय माल्या को पकड़ के लाया जा रहा है, इस बैरक में रखा जाएगा, यही तिहाड़ है, यही मुंबई का जेल है, आज तक नहीं आया विजय माल्या। हमने कितनी बार देखा कि ये नीरव मोदी है, यहां घूम रहा है, इसने दाढ़ी बनवा ली है, पकड़ा जाएगा, अब अंदर आएगा, अब पैसे वसूले जाएंगे, एक रुपया नहीं आया। तो ये सरकार तो काला धन लाने वाली थी और देश के लोगों का पैसा लुटवाकर अपने मित्रों को बाहर भगाने का काम कर रही है। जाओ ऐश करो, आराम से विदेशों में रहो, पूरी की पूरी भारतीय जनता पार्टी की सरकार तुम्हारे साथ खड़ी है। भाजपाइयों का नया नारा है, भाजपाइयों का नया फार्मूला है, ना हिंदू बचेगा ना मुसलमान बचेगा, और भाजपा के राज में हर इंसान लूटेगा, हर इंसान लूटेगा, क्योंकि नशा दे रखा है इन्होंने हिंदू मुसलमान का, उसमें सब लोग डूबे रहो। एक तरफ यहां दंगा फसाद कराते रहे दिल्ली में, दूसरी तरफ ये लूट करवाते रहे। कभी शेयर मार्केट में आदमी बर्बाद हो रहा है, कभी बैंक में बर्बाद हो रहा है, पीएमसी का घोटाला हुआ, एक बैंक बर्बाद हुई, पीएमबी में घोटाला हुआ, उसके बाद ये तीसरा घोटाला सामने आया है। कहते हैं साहब ये तो प्राइवेट है, अरे भाई 2,00,000 करोड़ रुपए लोगों का लूट गया तो तुम प्राइवेट और सरकारी कर रहे हो, और जो सरकारी है उसको प्राइवेट करने पे लगे रहते हो। रेलवे को कह रहे हो हम प्राइवेट करेंगे, सेल को कह रहे हो हम प्राइवेट करेंगे, एयरपोर्ट को कह रहे हो हम बेचेंगे, एलआईसी को कह रहे हो हम बेचेंगे, तो पहले उनको प्राइवेट करते हो, जब बर्बाद हो जाते कहते हो तो प्राइवेट है। रिजर्व बैंक के लाइसेंस के बगैर, उनकी परमिशन के बगैर कोई बैंक खुलती नहीं है, सरकार की अनुमति के बगैर कोई ऐसे बैंक नहीं चला सकता। और अगर खुद निर्मला सीतारमन जी कह रही हैं कि 2017 से आरबीआई इसकी निगरानी कर रहा था यस बैंक की, तो 1,00,000 करोड़ रुपए कर्जा 2017 से 2020 तक कैसे दिया गया? इसका मतलब ये जो कागज है ये साफ बता रहा है, भाजपाइयों ने इन बेईमानों से चंदा लिया और उनसे ही लूट करवाई आम आदमी के पैसे की। ये जो फेहरिस्त है जो 2018 में मैंने दी थी, इसमें मैंने नाम दिए थे कि इस ग्रुप के ऊपर इतना कर्जा है, रिलायंस ग्रुप पर 1,25,000 करोड़ का कर्जा, वेदांता ग्रुप पर 1,03,000 करोड़ का कर्जा, एसआर ग्रुप पर 1,01,000 करोड़ का कर्जा, अडानी ग्रुप पर 96,000 करोड़ का कर्जा, जेपी ग्रुप पे 75,000 करोड़ का कर्जा, जेएसडब्ल्यू ग्रुप पे 58,000 करोड़ का कर्जा, जीएमआर ग्रुप पे 47,000 करोड़ का कर्जा, लैंको ग्रुप पे 47,000 करोड़ का कर्जा, वीडियोकॉन ग्रुप पे 45,000 करोड़ का कर्जा, भूषण पावर पे 37,000 करोड़ का कर्जा, जीवीके पे 33,000 करोड़ का कर्जा, आलोक इंडस्ट्रीज पे 22,000 करोड़ का कर्जा, एमटेक ऑटो लिमिटेड पर 14,000 करोड़ का कर्जा, मोनेट स्पात एंड एनर्जी लिमिटेड पर 12,000 करोड़ का कर्जा, इलेक्ट्रो स्टील स्टील लिमिटेड पर 10,000 करोड़ का कर्जा, एरा इंफ्रा इंजीनियरिंग पर 6,000 करोड़ का कर्जा, और एबीजे शिपयार्ड ग्रुप पे 6,000 करोड़ रुपए का कर्जा, ज्योति स्ट्रक्चर पे 5,165 करोड़ रुपए का कर्जा। ये 18 लोगों की सूची मैंने दी थी सरकार को, सीबीआई को, ईडी को, कि भाई इनकी जांच करिए, ये आम आदमी का पैसा लूट के बैठे हुए हैं, इनसे पैसे की वसूली कीजिए, और जो पैसा नहीं देता कम से कम उसके पासपोर्ट जब्त कीजिए। उसके जवाब में मुझे ईडी ने जवाब दिया था, मैंने उनको फिर से रिमाइंडर भेजा, तो उन्होंने 3 जून 2018 को जवाब दिया, और कुछ इसमें ज्ञान बताते हुए उन्होंने मुझसे लिखा है, अंतिम लाइन में पढ़ देता हूं कि इन व्यू ऑफ एवर इट इज रिक्वेस्टेड टू इंटीमेट एनी फर्दर इंफॉर्मेशन फॉर प्रोसीडिंग फर्दर इन द मैटर। मतलब हम उनको इंफॉर्मेशन, वो पैसा ले रहे हैं, तनख्वाह ले रहे हैं जनता के पैसे से, ईडी को हम और अगर कोई इंफॉर्मेशन है तो वो इकट्ठा करके हम देंगे, वो आराम से सोएंगे घर में, वो इन बेईमानों को बचाएंगे, इनसे रिश्वत खाएंगे
और हम उनको इकट्ठा करके इंफॉर्मेशन देंगे। ये 18 लोगों के नाम और इंफॉर्मेशन हमने दी तो उस पर उन्होंने लिखा कि ये कानून है वो कानून है। तो अब राणा कपूर पे कैसे कार्रवाई कर रहे हो? अगर ये ईडी कह रहा है लगभग 2 साल पहले कि साहब हमारे पास ताकत नहीं है, तो अब कैसे कार्रवाई कर रहे हो? फेमा का पीएमएलए का इसमें आप जिक्र कर रहे हो, अब आप कैसे कार्रवाई कर रहे हो? इसका मतलब जानबूझकर कार्रवाई नहीं की गई, सारी जानकारियों के बावजूद कार्रवाई नहीं की गई। तो इसलिए जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने देश के लोगों का पैसा लूटा है और देश को पूरे हिंदू मुसलमान वायरस में उलझा रखा है, आज लोगों के जेब काटने का काम पूरे देश में बीजेपी कर रही है। अब इसका नाम भारतीय जनता पार्टी से बदल के भारतीय जेब कतरा पार्टी रख देना चाहिए।